एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और बड़ी खबर हापुड़ से भी है, जहां पर अज्ञात वाहन और कार की टक्कर हुई है। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, चार लोग घायल हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH9 पर हुआ है। तो बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर एक भीषण टक्कर हो गई अज्ञात वाहन और कार के बीच, और हादसे में चार लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई है, चार लोग घायल हुए हैं। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH9 का मामला। और अब बात करते हैं माई स्टैंप योजना की, जिसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई। कानपुर में छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी हो गए। प्रधान डाकघर ने ये डाक टिकट जारी किए छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के। 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट छोटा राजन और 12 मुन्ना बजरंगी के हैं। अब सवाल ये उठता है कि माई स्टैंप के जरिए जो टिकट छपवाए जाते हैं, उसमें बाकायदा नियम कानून है। जिसे अपना स्टैंप बनवाना है वो आधार कार्ड लेकर पहुंचता है और तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। क्या वो तमाम प्रक्रियाएं ताक पर हैं? माई स्टैंप योजना में बड़ी लापरवाही हुई है। 2 बड़े अपराधियों के टिकट छप गए, छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी। हत्या हो चुकी मुन्ना बजरंगी की। प्रधान डाकघर ने ये छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के टिकट जारी किए हैं। 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के हैं। तो प्रधान डाकघर की तरफ से छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के जो स्टैंप है वो जारी कर दिए गए। माई स्टैंप जो योजना है उसके तहत 2017 में केंद्र सरकार माई स्टैंप योजना लेकर आई थी, और योजना को विश्व फिलैटली प्रदर्शनी के दौरान शुरू किया गया था। इसमें एक फॉर्म भरवाया जाता है, सत्यापन के लिए खुद डाक विभाग को आना पड़ता है, 300 रुपए की फीस देकर जारी किया जाता है। और परिजन जीवित व्यक्ति के नाम पर 12 टिकट जारी कर सकते हैं, और आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई ना कोई पहचान पत्र होना चाहिए। तो सवाल यह है कि मुन्ना बजरंगी का टिकट कैसे छप गया, और ये तमाम जो पूरा मामला है अब सामने आया है, तब लापरवाही सामने आ रही है। जो मुख्य डाकघर है वहां से ये स्टैंप जारी किए गए हैं मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन के। प्रधान डाकघर ने मुन्ना राजन और छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के टिकट जारी किए। 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट छोटा राजन और 12 मुन्ना बजरंगी के। माध्यम से मुझे भी पता चला है कि 2 ऐसे डाक टिकट जारी हुए आज ही, और मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कि ये डाक टिकट कैसे जारी हो गए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती कहाँ हुई, और ये गलती आगे भविष्य में ना हो ये हम इंश्योर करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।